हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं, अभी एक फाइनली एक वीडियो अभी डाली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1:1 का शायद बोनस मिल सकता है। 1:1 में मिलेगा, किस में मिलेगा वो देखते हैं, बट बोनस मिलने वाला है। डिविडेंड एज वेल एज रिजल्ट आ रहे हैं अच्छे खासे, 62,62,193 करोड़ के यहाँ पर रिजर्व है कंपनी के पास, और टारगेट प्राइस भी मैंने आपको बताया, तो इस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। एज वेल एज इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में हम एक कंपनी से रिलेटेड, ब्रेकआउट शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, और मुझे लगता है कि अच्छे खासे रिटर्न हमें दोबारा मिलने की अपॉर्चुनिटी है। मैंने वहां पोजीशन ले ली है, बट आपको बताना चाहता हूं कि आपको जो भी करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को खुद की स्टडी करके ही करना है, किसी के भी कहने से, राकेश झुनझुनवाला साहब जी हो या फिर विजय केडिया जी हो या मैं हूँ या एटसेट्रा कोई भी यूट्यूबर हो या किसी को भी आप फॉलो करते हो, वो किसी को भी फॉलो नहीं करना है आपको। आपको सिंपल अपनी सीखना है, सीख के स्टडी करना है, और स्टडी करके ही आपको कोई भी पोजीशन लेनी है, क्योंकि आप इस तरीके से अगर पोजीशन लेंगे सीखने के बाद तो अच्छा खासा गेन फ्यूचर में होगा, बट किसी को फॉलो करते रहेंगे उसी के हिसाब से ट्रेड लेंगे तो आप उनके ऊपर डिपेंड हो जाएगा। सो नेवर डिपेंड ऑन एनीवन, खुद के ऊपर डिपेंड होना सीखो, खुद की स्टडी करना सीखो, अच्छे खासे आपको रिटर्न मिलते रहेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस तरीके की वीडियो मिलती रहे और हम सब एक साथ मिलकर अच्छा खासा पैसा बना सके। तो आइए वीडियो की तरफ। तो जिस शेयर से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं, सबसे पहले बताना चाहता हूँ एक चीज। देखिए, अगर बात करें 17 मई को, मतलब लगभग 20 दिन हुए, 20 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, LG बालाकृष्णन एक शेयर था, ओके, और मैंने आपको बताया था कि आपको अच्छा खासा गेन मिलेगा। अगर बात करें, ये शेयर 300 रुपए के आसपास चल रहा था जब वीडियो बनाई थी, ओके, बल्कि नहीं सॉरी 311 तक चल रहा था, उसके बाद अगर बात करें 300 रुपए पे भी आया था, नीचे गिर के फिर आया था, और अभी उसके बाद मैंने आपको वीडियो बनाई थी आज के डेट 17 मई को, और आपको बताया था ये अच्छे खासे गेन देगा। और अगर आज की बात करें, ओके, यहाँ पर शेयर की, तो यहाँ पर देखिए ये 300 रुपए, और आज की डेट अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूँ ये शेयर से रिलेटेड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 392, और ये कहाँ पर गया था, ये गया था 407 रुपए तक ये गया था। मैंने यहाँ पर पोजीशन अपनी काट ली थी क्योंकि अच्छा खासा 30% के लगभग का गेन हुआ था, ओके, और ये सिंपल किस बेस पे था, सिंपल एक स्टडी के बेस पे था। तो इसी तरीके का स्टॉक आपके लिए दोबारा लेके आया हूँ, और कितने परसेंट के रिटर्न मिलेंगे, नहीं मिलेंगे या कैसे होगा वो देखते हैं, बट ये स्टडी है, स्टडी के हिसाब से मुझे लगता है कि अच्छे खासे गेन मिल सकते हैं आने इसी महीने के अंदर अंदर, बट देखते हैं। मैंने पोजिशन ऑलरेडी ले ली है, शेयर की कौन सा है उससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए वनडे का चार्ट पैटर ऊपर गया था, फिर उसके बाद नीचे आता हुआ दिखाई दिया, मतलब फ्लैट बंद हुआ था। एज वेल एज 5 डे का चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, ऊपर से शेयर नीचे आया है। 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, ओके, नीचे से ऊपर गया है, मतलब सही गेन दे दी है। 6 मंथ की बात करें, 6 मंथ में भी लगभग फ्लैट ही है, अच्छा खासा ऊपर भागा था, फिर एक मतलब इसी रेंज में ये शेयर भाग रहा है। और ईयर टिल डेट की बात करें, यहाँ पर 1 साल के अंदर अंदर भी शेयर देखिए बिल्कुल ही फ्लैट है, समझ रहे हो, 1 साल के अंदर अंदर शेयर फ्लैट है, तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, और यहाँ वॉलेटाइल भी है शेयर, क्योंकि ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है, और यहाँ पर 8 जन 2021 से तो एक ही दायरे में यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, बल्कि यहाँ पर नीचे ही है। बट अगर बात करें 1 साल की, तो 1 साल के अंदर अंदर शेयर ने अच्छे खासे यहाँ पर गेन दिए है, आपके पैसे को दुगना कर दिया है। और 5 ईयर की बात करें, 5 ईयर में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा खासा यहाँ पर शेयर है। और LGBB जिस कैटेगरी का शेयर है, ये भी उसी से है, ये भी ऑटो एंसिलरीज का ही शेयर है। यहाँ पर बात करें 2005 में ये शेयर 3600 रुपए के आसपास चल रहा था, उसके बाद देखिए अच्छी खासी इसने गेन दी। 2018 में ऑटो एंसिलरीज ऑटो शेयर में यहाँ पर गिरावट थी, तो इसलिए यहाँ पर भी इसमें भी गिरावट थी, बट उसके बाद यहाँ पर दो पैंडमिक के बाद शेयर ने अच्छी खासी जंप लगाई है, उसके बाद एक अच्छा खासा गिरावट, और अब दोबारा यहाँ पर जंप लगाने को तैयार है जो मुझे लगता है। तो यहाँ पर आपको जो भी पोजिशन लेनी है अपने हिसाब से लेनी है, और ऑल टाइम में 802% के रिटर्न दे चुका है, इस बात को भी देखना है। और कंपनी की बात करें, वर्चुअल डेट फ्री कंपनी, अगेन अगर बात करें यहाँ पर डिलीवरी बेसिस की, तो लगभग 85,000 शेयर, 35% के शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पर उठाए गए हैं। 7 जन को 364 रुपीज पर यहाँ पर शेयर, यहाँ पर 52 वीक हाई था इसका, 52 वीक लो की बात करें 161 रुपीज का यहाँ पर 16 जुलाई 2020 को था, तो मतलब अच्छा खासा रिटर्न इस कंपनी ने दे दी है। और बात करें, मतलब दुगने कर दिए आपके 100% के रिटर्न। और यहाँ पर अगर बात करें, अच्छा खासा ये शेयर अभी भी 52 वीक हाई से गिरा हुआ है, तो इस चीज को देखिए 364 और 326, तो काफी डिफरेंस है।
एज वेल एज अगर कुछ और चीजों से रिलेटेड बातें करते हैं तो देखिए यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न जो कि अभी दोबारा देखेंगे, प्रमोटर्स का 36.79% की है, बाकी FISDI इसके पास है। यहाँ पर डिविडेंड भी कंपनी देती है बट इतना कुछ खास डिविडेंड नहीं है और डिविडेंड के लिए हम कर भी नहीं रहे। हम सिंपली इन्वेस्ट करते हैं प्राइस एप्रिसिएशन के लिए कि ट्रेडिंग पर, और ये जो शेयर बता रहा हूँ ट्रेडिंग पर्पज से बता रहा हूँ, आई एम नॉट टेलिंग यू फॉर द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी शेयर यहाँ पर प्लेज नहीं है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ और चीजों की, तो यहाँ पर आप देखिए बोनस, तो कंपनी ने 2004 में एक बार बोनस दिया था 1:1 का। स्प्लिट की बात करें तो यहाँ पर 2007 में एक बार स्प्लिट भी हुआ था, 10 की फेस वैल्यू 2 में यहाँ पर कन्वर्ट हुई थी, तो अच्छे खासे यहाँ पर गेन जो लॉन्ग टर्म में बने हुए उन्हें मिला है। राइट इशू की बात करें, राइट इशू भी आ चुका है, मतलब कंपनी काफी पुरानी है, इस चीज को आप देख सकते हैं। कंपनी का नाम जैसे कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, सुब्रोस। सुब्रोस करती क्या है, ऑटो एंसिलरीज में कंपनी काम करती हुई नजर आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1985 में ये जॉइंट वेंचर में यहाँ पर कंपनी पब्लिक लिमिटेड यहाँ पर कंपनी बनी थी। यहाँ पर 36.79% जो कि यहाँ पर इनके प्रमोटर्स हैं सूरी फैमिली, उनकी ये कंपनी है। 20% ओनरशिप इन डेंसो कॉर्पोरेशन जापान जापान एंड 11.96 सुजुकी मोटर्स की भी कॉर्पोरेशन की यहाँ पर हिस्सेदारी कितनी है, 11.96% की। तो थोड़ा सा इसे समझिए, मारुति की सेल्स अच्छी खासी हुई है तो इस बार इसकी कंपनी की सेल्स यहाँ पर होगी। मारुति सुजुकी, सुजुकी का कहीं ना कहीं नाम है, तो इस चीज को आप देख सकते हैं। बाकी अगर बात करें यहाँ पर सुब्रोज हैज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड नोएडा, मानेसर यहाँ पर पुणे चेन्नई, तो मानेसर में ही यहाँ पर आपको पता ही है क्या है, मारुति सुजुकी का यहाँ पर अच्छा खासा प्लांट है। तो इस चीज को आप देख सकते हैं कंपनी कब बनाती क्या है। आर प्रोडक्ट इज कंप्रेसर, ओके, जो कंप्रेसर यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं, कंडेंसर आप यहाँ देख सकते हैं, एज वेल एज HVAC यहाँ पर कंपनी बनाती हुई दिखाती है, ट्यूब्स एंड होजेज ये कंपनी बनाती हुई दिखाई देती है, बस के जो एसी होते हैं वो बनाती है, रेल एसी जो रेल में एसी लगे होते हैं वो बनाती है, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एसी यहाँ पर एसी भी बनाती है, तो मतलब PLI स्कीम में भी ये कंपनी आपको प्रॉफिट देती हुई नजर आएगी। ट्रांसपोर्टर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो मतलब वैक्सीन का अगर जब यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होगा तो उसमें भी शायद ये कंपनी अच्छा खासा काम कर सकती है। और चीजें देखें तो ट्रक कैबिन एसी सिस्टम, ओके, ट्रक कैबिन में ही एसी का सिस्टम दे रखा है यहाँ पर, मतलब कंपनी अच्छे खासा है। ऑफ रोडर एसी यहाँ पर कंपनी का बनाती हुई दिखाई देती है, तो कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी बेहतरीन मुझे नजर आ रहा है। और कस्टमर की बात करें, ग्लोबल ऑटो टैक, ओके, यहाँ पर 1 मिनट, ग्लोबल वोल्टास हायर मतलब कंपनी जो भी है, हैवल्स, टालब्रोज, एमेस्टर, ओके, मतलब जितनी भी एसी बनाने वाली कंपनी है, क्रूज कार लाइन, अशोक लेलैंड जो कि अच्छा खासा है भाग रहा है, भेल यहाँ पर पावर एंड ऑटोमेशन, यहाँ पर ये रेल कॉर्पोरेशन, टेडन एस्कॉट, ये कंपनी इनके यहाँ पर कौन है, यहाँ पर इनके क्लाइंट्स है। तो इस चीज को थोड़ा समझिए, प्रोडक्ट से रिलेटेड बातें हो गई। यहाँ पर अगर वो और कुछ चीजें देखें तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑलरेडी मैं यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। मार्केट लीडर की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट शेयर 45% का यहाँ पर मार्केट शेयर है एयर कंडीशन सिस्टम्स में, ओके, ऑटो एयर कंडीशनर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो घर पे लगे रहते हैं, इन द पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट इन 2020 में 45% था इसी को। और अगर इनके कस्टमर की बात करें सारे के सारे मारुति सुजुकी जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, टाटा मोटर्स, SML, उसूजू, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लेन एंड फ्यू अदर्स। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो कि ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कौन कौन से थर्मल कूलिंग प्रोडक्ट फॉर कार, बसेस, रेफ्रिजरेटर व्हीकल्स, ओके, रेलवे, होम एसी, ट्रैक्टर एंड ट्रक्स, सम ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स आर कंप्रेसर, कंडेंसर, रेडिएटर, ब्लोअर, होजेस एंड ट्यूब्स एंड मैनी मोर। और यहाँ पर रेवेन्यू मिक्स देखे तो यहाँ पर देखिए 90% ऑफ रेवेन्यू केम फ्रॉम द पैसेंजर व्हीकल्स एंड 10% फ्रॉम द कमर्शियल व्हीकल्स, एज वेल एज लार्जेस्ट कस्टमर है जो इनका वो मारुति सुजुकी है, और मारुति सुजुकी के रिजल्ट भी ओके थे, बट अगर बात की जाए इस बार की सेल्स जो मैंने आपको एक वीडियो में बनाई थी बताई थी अच्छी खासी सेल्स होती है, ईयरली बेस पे दिखाई दी है, तो इस चीज को आप देख सकते हैं CV OEMs में कंपनी। जियोग्राफिकल की बात करें सारे का सारा पैसा इनका इंडिया मार्केट से ही आता है 100% रेवेन्यू। अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर मानेसर, पुणे, चेन्नई, सनादा, ओके, नोएडा यहाँ पर एक दिखाई देती है, ओके, 2 मिलियन एसी किट्स पीए इन 2020 में यहाँ पर कैपेसिटी है, एंड विच हैवाज 1.5 मिलियन जो कि 1.5 थी अब इंक्रीज कर दी है। तो यहाँ पर जब इंक्रीज हो रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर में पैसे खर्च हो रहे हैं तो आपको इस चीज को थोड़ा सा देखना चाहिए। और यहाँ पर और भी यहाँ पर देखिए फोकस एरिया एयर ब्लोअर, होम एसीज, रेलवे एंड बसेस, कंडीशन फोकस ऑन लोकलाइजिंग यहाँ पर
इस चीज में कंपनी काम करती हुई नजर आती है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सुब्रोज लिमिटेड की बात करें, स्मॉल कैप कंपनी है, ज्यादा पैसा आपको लगाना नहीं है। 2137 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। डेट की बात करें 17% का ही डेट है, ज्यादा डेट भी नहीं है। प्लेजिंग की बात करें 0% की प्लेजिंग है। आरओसी की बात करें 13% की आरओसीई है इसकी। अगर बात करें तो यहाँ पर सब चीज अच्छी नजर आ रही है। बात करते हैं और भी इनके जो कॉम्पिटिटर का है उनकी पीई की बात करें, यहाँ पर सुब्रोस 57 के पीई पे मिल रहा है, और आरओसीई की बात करें तो यहाँ पर सुब्रोस की बात करें 12 की आरओसीई पे मिल रहा है। बाकी कंपनी अगर बात करें मदर सनसोमी भी 8 के पीई पे मिल रहा है, और यहाँ पर अमर दूसरी बैटरी दूसरी कंपनी है वो भी लगभग इसी आरओसी पे आपको पैसा बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। सेल्स की बात करें क्वार्टरली बेसिस पे, सेल्स यहाँ पर अच्छी खासी बढ़ रही थी। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आपको पता ही है ऑटो एंसिलिटीज में किस तरीके की प्रॉब्लम थी। एज वेल एज बात करें इस बार की तो यहाँ पर पेंडामिक आ गया था, ओके, बट पेंडामिक के बाद सेप्टेम्बर से यहाँ पर दोबारा कंपनी ने, जब से ही लॉकडाउन ओपन हुआ, अच्छी खासी कंपनी ने काम करना शुरू किया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा खासा रेवेन्यू आ गया, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू आया पिछले 12 क्वार्टर में, हाईएस्ट एवर ही यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया, और हाईएस्ट एवर ही यहाँ पर आप देखिए, एक बार यहाँ पर हाईएस्ट एवर आया था 2019 में, उसके बाद यहाँ पर देखिए नेट प्रॉफिट 27 करोड़ रुपीस का आ चुका है। तो थोड़ा सा इस चीज को देखिए, और कंपनी धीरे 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 परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया, और इस बार के रिजल्ट ऑटो एंसिलरीज के बेहतरीन आए हैं। तो ऑब्वियसली बात है ये कंपनी बड़े बड़े इनके क्लाइंट है, तो अच्छी खासी ये भी कंपनी बढ़ती हुई नजर आएगी। थोड़ी सी अगर बात करें सेंस ऑफ ह्यूमर की बात, सेंस की बात है कि हमें किस तरीके से लेना है। अगर सेल्स की बात करें ईयरली बेसिस पे, तो यहाँ पर आप देखिए सेल्स कंटिन्यूअसली बढ़ती हुई नजर आ रही है यहाँ पर सेल्स, और दोबारा अच्छी खासी बढ़ी रही थी, बट मार्च में यहाँ पर पेंडेमिक, और अभी जो पेंडेमिक का असर है इस वजह से यहाँ पर सेल्स में यहाँ पर थोड़ी सी कमी आई है, बट धीरे धीरे जैसे बढ़ना शुरू हो गया ये सेल्स भी चेंज होती हुई दिखाई देगी। और मुझे लगता है कि इस बार की जो सेल्स का जो आंकड़ा होगा हाईएस्ट एवर होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें वो भी हाईएस्ट एवर दोबारा आना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें ये भी हाईएस्ट एवर ही आना शुरू हो जाएगा। पिछले एक आध क्वार्टर से पीछे चल रहा है, बट कोई इशू नहीं है, एक दो इस साल से, बट बात करें वो भी पैंडेमिक की वजह से। रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व्स अच्छे खासे 728 करोड़ के रिजर्व्स है, हाईएस्ट एवर ही कह सकते हैं पिछले दो साल से। बोरिंग की बात करें, बोरोइंग कंपनी काफी कम कर दिया, देखिए कहां पर 300-400 करोड़ की बोरोइंग हुआ करती थी, 125 करोड़ की बोरोइंग पे यहां पर लाके खड़े कर दिया है। मतलब कंपनी अपने आप को डेट फ्री करना चाहती है, और एक बार कंपनी अपने आप को डेट फ्री कर देगी या बोरोइंग कम कर देगी, नेट डेट फ्री कर देगी, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर शेयर प्राइस और भागता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लोगों को ऐसी ही कंपनी पसंद आती है। फिक्स एसेट की बात करें, फिक्स एसेट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है 778 करोड़ का, इस चीज को देखिए। बाकी यहां पर बात करें कंपनी का इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ का है, कैश की बात करें 96 करोड़ रुपीस का कैश भी है, ओके। और बात करें आरओसी की, आरओसी भी काफी ठीक ठाक है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 36.79% है सूरी फैमिली की, जो कि आप देख ही चुके हैं, रमेश सूरी साहब सूरी फैमिली की। एफआईएस की बात करें, एफआईएस के पास 1% की, बट डीआईएस की बात करें, डीआईएस के पास 10.65% की हिस्सेदारी है। डीएसपी, यूटीआई, सुंदरम, यहां पर आप देख सकते हैं अलग अलग, निपोन लाइफ, अच्छा खासा यहां पर होल्डिंग ले रखी है। पब्लिक की बात करें, पब्लिक में 51% दिखा रहा है, बट 51% नहीं है, यहाँ पर देखिए 20% की डेंसो कॉर्पोरेशन है। सुजुकी मोटर्स की बात करें 12% की हिस्सेदारी। रेस्पॉन्स होल्डिंग यहाँ पर की बात करें रेस्पॉन्सिबल 2.69% की। एसएचएस की बात करें 1.5, कोल्ड इंजीनियरिंग 1.5, तो यहाँ पर बात करें यहाँ पर 32 और जो थी 35-36% की हिस्सेदारी इन्हीं ने ले ली है, केवल 10% और 15% 16% की हिस्सेदारी ही यहाँ पर पब्लिक के पास है, बाकी सारी होल्डिंग यहाँ पर अच्छे खासे हाथों में है। तो इस चीज को थोड़ा सा समझिए, इसके हिसाब से काम करिए। और बात कर लेते हैं कुछ टेक्निकल्स की, तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी ड्राइंग को यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ और आपको यहाँ पर ले जाना चाहता हूँ। कंपनी देखिए अगर बात करें, इसका ऑल टाइम हाई यहाँ पर था कब, जब यहाँ पर कंपनी 2018 के आसपास थी, तो यहाँ पर ऑल टाइम हाई पे कंपनी चल रही थी लगभग 400 कुछ रुपए पे। और बात करते हैं यहाँ पर अभी की, तो देखिए यहाँ पर कंपनी एक चार्ट पैटर्न बनाती हुई नजर आ रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें कि कंपनी किस तरीके का चार्ट पैटर्न बनाती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर एक इसने शोल्डर बनाया, फिर उसके बाद यहाँ पर इसने एक हेड बनाया, और यहाँ पर दोबारा से एक शोल्डर बनाने के लिए तैयार है ये कंपनी। ऊपर गई थी, ओके, फिर उसके बाद थोड़ी सी नीचे आ गई है, और फिर दोबारा ऊपर जाएगी, और जितना नीचे आके फिर ऊपर जाती है ना, तो और बेहतरीन चार्ट पैटर्न बनाती हुई नजर आती है, और शेयर और भागता हुआ नजर आता है। इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और अगर बात करें इस तरीके के जब चार्ट पैटर्न बनते हैं, तो हमेशा मैं कहता हूँ ये ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न हमेशा कारगर साबित होते हैं और अच्छे खासे यहाँ पर गेन देके जाते हैं। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में देके
यहाँ पर देख सकते हैं इसकी तरफ, शेयर की तरफ। बाकी बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस कंपनी के कितने परसेंट के गेन दे सकती है, तो जो इसका करंट लेवल है उधर से अगर हम बात करें इसके ऑल टाइम हाई के आसपास की, तो लगभग लगभग आपको कितने 72% के गेन आपको नजर मुझे नजर आते हैं कि 72% के गेन कंपनी दे सकती है। सॉरी सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा और इसे बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर देखें तो 86% के गेन, अगर 1 से 1.5 साल के अंदर, 1 से 1.25 साल के अंदर भी इतने परसेंट के गेन दे दिए, 602 रुपये पे जाने पर बिल्कुल जा सकता है, बट आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा। बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ और पैरामीटर की, कुछ और टारगेट की, तो यहाँ पर जो मुझे टारगेट नजर आ रहा है, पहला टारगेट तो इसका यही है, ओके, जो ये तोड़ेगा ही तोड़ेगा, कभी भी तोड़ सकता है, जो कि इसका अभी का ऑल टाइम फ्रेश हाई था 11%। तो 11% 12% की रिटर्न तो आपको मिलने ही मिलने हैं। बट एक बार यहाँ पर कंपनी के जब रिजल्ट आ जाएंगे, तो मुझे क्या लगता है कि जैसे हमने 30% के रिटर्न एक बार ही में कमा लिए थे ना, तो ये कंपनी दोबारा अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जा सकती है और ये रिटर्न भी दे सकती है, और ये रिटर्न 3 महीने के 4 महीने में भी मिल गए तो काफी बेहतरीन रिटर्न होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी अपनी खुद की स्टडी करनी है, फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेनी है। बाकी मुझे क्या लगता है वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पर पूरा पोटेंशियल है यहाँ तक भी जाने का, पर उसके लिए टाइम देना है। बाकी यहाँ पर मेरे शॉर्ट टर्म टारगेट है, पहला टारगेट ये 366 जो इसका लास्ट टाइम 52 भी खाई था, इसके आसपास है। बाकी दूसरा टारगेट है ये, जो कि मुझे लगता है कि मिल जाएगा रिजल्ट तक। तो अभी रिजल्ट अनाउंस नहीं हुए, रिजल्ट कभी भी अनाउंस हो सकते हैं, आप देख ही सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।